हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हमें। तो आज के 10 इम्पोर्टेंट जीके। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी गोहला। तो आपके पास 5 सेकंड का समय होते देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पलवल। तो आज का हमारा है दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 18वां, ऑप्शन बी 19वां, ऑप्शन सी 20वां, ऑप्शन डी 21वां। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 21वां। तो आज का हमारा है तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 68। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 71। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, हरियाणा का स्थापना दिवस कब है? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1967, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1969, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1968। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966। तो आज का हमारा है पांचवा क्वेश्चन, हरियाणा राज्य से संसद के निचले सदन को कितने सीटें आवंटित की जाती है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 10। तो आज हमारा है छठा क्वेश्चन, हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों को कितने सीटें आवंटित की जाती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। तो आज हमारा है सातवां क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आज का हमारा आठवां क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री की सहमति से राज्यपाल, ऑप्शन सी स्वयं राज्यपाल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आप आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वयं राज्यपाल। तो आज का हमारा नवा क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 65। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 90। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धन का कटोरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी जीडो। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी करनाल। ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। आई होप कि आपने अपने आप को रैंक किया होगा, कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम उपलब्ध हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।